अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कुकिंग कैफे विद खावर अली। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आलू पुलाव। आलू पुलाव बहुत ही डिलीशियस डिश है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की डिश है। तो आलू पुलाव बनाने के लिए हमें जो जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, जो जो अज़ा चाहिए, आइए हम उनकी तरफ चलते हैं। आलू पुलाव बनाने के लिए हमें जो जो अज्जा चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने ले लेने हैं 1 किलो चावल। 1 किलो चावल को हमने पानी में भिगो देना है 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद हमने आलू ले लेने हैं एक किलो, और आलूओं को अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद इनका छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद हमने इन्हें काट लेना है, वो फिर बाद में आपको दिखाता हूँ जब काटूँगा। अच्छा, तो उसके साथ हमें चाहिए प्याज। प्याज हमने ले लेने हैं 3 से 4 अदद, ये हमारे पास प्याज मौजूद हैं। उसके बाद हमने हल्दी ले लेनी है 1/2 चम्मच। उसके साथ लाल मिर्च हमने ले लेनी है 1 से 1.5 चाय का चम्मच। और उसके साथ हमें लहसुन के जुए चाहिए 8 से 10 अदद, और इन्हें हमने बारीक बारीक पीस लेना है। और उसके साथ हमें नमक चाहिए हसबे ज़रूरत। और उसके बाद हमें 1 टीस्पून चाहिए गरम मसाला। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं। और हमें चाहिए 1 पाव घी। ये 1 पाव घी हमने आपके सामने तसले में ले लिया है, और इसे हल्की आंच पे हमने चूल्हा चला देते हैं ताकि हमारा आयल गर्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, जो हमने प्याज बारीक बारीक काट के रखे हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये आप देख रहे हैं। तो ये हमारा आयल गर्म हो रहा है। जब आयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। जी तो ये देखें नाज़रीन, हमने प्याज को है आयल में गर्म आयल में हमने इसे ऐड कर दिया है। अब हम इसे लाइट ब्राउन होने तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो ये देखें प्याज जो हैं वो ब्राउन हो रहे हैं। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें बाकी जो मसाले जो मैंने आपको पहले बताए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जी तो ये देखें दोस्तों, प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें जो मैंने पहले आपको मसाले बताए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च हमने ऐड करनी है 2 टेबलस्पून, यानी 2 चाय के चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला हमने ऐड करना है 1 चाय का चम्मच, यानी 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हमने इसमें ऐड करना है 3 चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। ये जो हमने लहसुन के 10 जो लिए हैं, ये हमने इन्हें बारीक बारीक ये पीस लिया है। अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे।
बहुत कमाल की रेसिपी है ये जी। तो ये हम आलू जो हैं जो हमने बॉयल करके रखे हुए हैं, इन्हें हमने थोड़ा थोड़ा मोटा काट लेना है इस तरह। फिर काटने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पहले अपना मसाला बना लिया, भून लिया, फिर उसमें हम ऐड करेंगे यही आलू और चावल। इस तरह हमने इन्हें मोटे मोटे काट लेने हैं। जी तो ये देखें दोस्तों, हमने जो आलू उबले हुए थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल, जो चावल हमने पहले भिगोए हुए थे वो चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरह हमने मसाले में जो मसाला हमने भुना हुआ था उसमें ये चावल और आलू ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसे अच्छी तरह भूनते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। जी तो दोस्तों, हमने मसाले में आलूओं और चावलों को 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमने ऐड कर देना, ये जो ये हमारे पास बाउल है ये हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 1 से 1.5 बाउल। ये 1 बाउल कर दिया हम, आधा और इसमें ऐड कर देते हैं पानी। ये आप देख रहे हैं कि हमने पानी ऐड कर दिया। अब हम इसे पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह जो पानी है ये सारा खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होने तक हम इसे पकाते रहेंगे। जी तो दोस्तों, ये देखें चावलों में से पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे दम पर लगा देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। जी तो दोस्तों, ये देखें हम दम पर लगाने के लिए ये इसमें इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और अब हमने इसे दम पर छोड़ दिया है। ये हमने 4 से 5 मिनट के लिए दम देके छोड़ना है। जी तो दोस्तों, रायते के लिए हमारे पास ये दही है, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और प्याज ये हमने काट लिए हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये आप देख रहे हैं इसमें ऐड करने के बाद अब हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे ताकि इसकी फ्रेग्रेंस और टेस्ट में इजाफा हो सके। जी तो ये देख रहे हैं, और हम इन सारी चीज़ों को दही में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। रायते का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। जी तो दोस्तों, ज़बरदस्त रायता तैयार है। अब हम इसे आलू पुलाव पे डालेंगे, एंजॉय करेंगे और मज़े से खाएंगे। जी तो दोस्तों, ये देखो हमने आलू पुलाव तैयार कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।